सो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत हो गया। कश्मीर चेंज है, जगह भी चेंज है, आज पुरानी वाली जगह नहीं है। तो मैं आया हूँ रेंट गाड़ी पे कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और लोकेशन क्या चेंज हुई है, सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी के पास पहुंच, जो कि मैंने आपको लोकेशन बताई थी, और अभी जो जो नई चीजें आई हैं यहाँ पर वो मैं भैया से पूछ लेते हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं और पूछ लेते हैं उनसे क्या क्या है। जो आपके पास जो पहली गाड़ियाँ थी और अब की गाड़ियाँ में आपके पास कौन कौन सी नई आई हैं? अभी हमारे पास एवेंजर आई है नई 220 प्लस, और इंटूडर आई है, और ड्यूक 200 आई है, और बुलेट हमने लिए, बुलेट क्लासिक टॉप मॉडल। कुछ अंतर होगा अब जो पहले के प्राइस से, क्योंकि सबके रेट तो बढ़ चुके हैं। अभी क्या हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स में 33% का चार्जेस ज़्यादा लगे, इस वजह से हमारे रेट भी बढ़े हैं। और हमने क्या किया है कि एक्टिवा जो हमारे पास पुरानी गाड़ियां थी एक्टिवा जैसे, इनके रेट हमारे पहले के जैसे जो रेट थे 500 वही रेट है। और अभी जो नई गाड़ी हमने ली है एंटॉक होगी, जैसे एक्सेस 125 होगी, इनके 600 कर दिए हैं। अभी तो कोई डिस्काउंट हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि रेडी। तो भैया अभी तो कोविड ख़त्म हो रहा है, तो अभी जो बाहर से कोई बंदा आ रहा है तो उसे वैक्सीन लगाना जरूरी है या नहीं है? हाँ जरूरी है, उसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए दोनों डोज का। अभी भैया से पूछते हैं कि जो पहले की गाड़ियों में कंडीशन और अब की गाड़ियों की कंडीशन में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो भैया के पास आपका जो वी गो रेंटल बाइक था वो आपने पहले कोई लोकेशन नहीं थी, अब आपने लोकेशन चेंज कर लिए, तो उसका कोई रीज़न? सर रीज़न यही है कि क्योंकि पैंडमिक का टाइम था, लॉकडाउन था। अब उस पैंडमिक के टाइम पे हमारे खर्चे भी है सर, एक रेंट वेंट का। तो हमने क्या किया, एक दूसरे हैं हमारे भाई साहब, तो उनका रेंट गाड़ी के नाम से, तो हम दोनों ने मिलकर कोलाब्रेशन कर लिया। ये उसके ओनर है, हेलो संजय नेगी, इनका रेंट गाड़ी है, इन्हीं के साथ हमारा कोलाब्रेशन। आपके पास जो पहले की गाड़ी कंडीशन उसके बीच में एक साल का अंतर आ चुका है, तो आपकी गाड़ी अभी आपकी गाड़ी है वैसी कंडीशन सही है ख़राब है उसके बारे में कुछ बताइए? गाड़ी की कंडीशन सारी सर्विस, हमारा जो सर्विस है हम लोकल मैन है, उससे कुछ कराते हैं, बाहर से बाहर सर्विस। बाकी इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए संजय ने कीजिए, ये आपको पूरा बता देंगे कि किस तरह। तो संजय जी हेलो, रेंट गाड़ी में आप सभी का स्वागत है। और आप जब भी कोई टूर वगैरह प्लान कर रहे हो, देहरादून में विजिट कर रहे हो और कपल्स हो, प्राइवेसी चाहिए, या मसूरी, धनौल्टी, पूरा उत्तराखंड, हम टूर एंड ट्रैकिंग का काम करवाते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी गाड़ियाँ किस कंडीशन में है। मिनिमम हमारे पास 500 से स्टार्टिंग हो जाती है सारी गाड़ियाँ, 500 में 110 सीसी स्कूटी है और मैक्सिमम 2000 तक चले जाता है, जिसमें आने वाला व्हीकल एक्सपल्स एडवेंचर है और मीटियोर और नई क्लासिक आर होता है 220 सीसी, और इसका प्राइस रहेगा 900 रुपये पर डे के साथ। और सिक्योरिटी है सभी बाइक्स की 1000 रुपीज़ सिक्योरिटी आप जमा करोगे, एज इट इज़ कंडीशन में आप गाड़ी वापस लेके आते हो तो आपकी सिक्योरिटी वापस आती है। आइए नेक्स्ट गाड़ी, ये 2021 मॉडल दिख सर, तो अभी 2021 में लॉन्च हुई है, अफाई है सारी गाड़ियाँ, तो इसमें 2021 मॉडल, प्राइस 900 पर डे, 24 आवर्स का आपको टाइम। सर 2021 मॉडल फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी है और इसका प्राइस आपको 800 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ेगा। ये ओल्ड मॉडल सर है, कार्बोरेटर है बट मेंटेन अच्छी करी हुई है, इसका प्राइस आपको 800 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ेगा। एक्टिवा है वेल मेंटेन, 500 पर डे। ये है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 टॉप मॉडल विद डुअल चैनल ABS है इसमें, और फ्यूल इंजेक्टर के साथ इसका प्राइस पड़ेगा आपको 1200 रुपये पर डे के साथ। ये 2021 मॉडल एक्सेस है, 125 125 सीसी में, इसका माइलेज 45 किलोमीटर का देती है आराम से, और इसका प्राइस पड़ेगा आपको 600 पर डे। ये इंटूडर है सुजुकी की, 155 सीसी में आती है, टूडर सेगमेंट है, 900 रुपये पर डे के हिसाब से। भैया अभी आपकी लोकेशन तो पहले कुछ और थी और अब आपकी लोकेशन चेंज हो चुकी है, तो बता दीजिए कि अब आपकी लोकेशन कहाँ पर है? अभी लोकेशन सेम ही जगह है मेरी, क्लेमेंट टाउन में ही है,
और ये है कि अगर जैसे आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, तो वहाँ से ऑटो कन्वेंस जो भी है लोकल कन्वेंस से ISBT आ सकते हैं, ISBT से फिर मेरे यहाँ पे आ सकते हैं और सेम लोकल कन्वेंस। बाकी ISBT से आप आ रहे हैं तो सीधा डायरेक्ट ऑटो आता है वहाँ से, 5 नंबर का विक्रम आता है, वहाँ से सीधा यहाँ क्लेमेंट टाउन 4 खंबा बोलना है आपको, क्लेमेंट टाउन 4 खंबा और यहीं उतार देगा। बाकी आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से आपको कैब मिलेगी और बस मिलेगी और वो आपको छोड़ेगी ISBT और सेम आपको 5 नंबर का विक्रम पकड़ के यहीं आना है, क्लेमेंट टाउन 4 खंबा। बाकी जो भी लोकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। कुछ नई चीज़ आई हैं उनमें से कुछ ऐड करना है वो हमारे संजू भैया बताएंगे। संजू भैया आइए, चार धाम के लिए भी हम व्हीकल प्रोवाइड करवाने वाले हैं, स्कूटी से लेकर तो ग्रुप आता है तो उनको टूर वगैरह करने में कुछ आपके पास प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। हाँ, अब अभी पिछले महीने से हमने स्टार्ट किया है, जैसे कोई ग्रुप आ गया 5 लोग 6 लोग कम टूर